दोस्तों आज का प्लान है 12 फीट × 35 फीट, ये 46 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 420 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 4 लैक्स पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 12 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 35 फीट, बैक का डायमेंशन है 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 35 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में दोस्तों हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इस मेन गेट से जब हम लोग इन करेंगे तो सबसे पहले स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट 5 इंच × 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। एक लैंडिंग का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 3 फीट 3 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 6 इंच का। इस स्टेयर एरिया में दो विंडो दिए गए हैं, एक विंडो इस साइड में है और एक विंडो इस साइड में है रोशनी के लिए। ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस स्टेयर में यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, ये फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसी के नीचे में यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है और फिर अप हो करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। इस स्टेयर एरिया के बाद हम लोग यहाँ से जब इन करेंगे तो ये सबसे पहले डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ओपन किचन दिया हुआ है। इस एरिया का डायमेंशन है 8 फीट 11 इंच इस साइड का। यहाँ पे एक डायमेंशन दिया गया है 4 फीट 6 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 11 फीट 2 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है किचन साइड में 8 फीट 2 इंच और एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 6 फीट 3 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में इस साइड में एक विंडो लगा हुआ है। यहाँ ओपन जो किचन दिया हुआ है इसमें यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ पे मैंने एक वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। यहाँ पे इसका डायमेंशन है 2 फीट 9 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट 9 इंच का। हम लोग बाथरूम की बात करें तो इस डाइनिंग स्पेस से इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बाथरूम दिया है, कॉमन बाथरूम, जिसका डायमेंशन है 10 फीट × 4 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 9 इंच। एक वेंटिलेशन दिया गया है इस बाथरूम में फ्रंट साइड में। यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है, यहाँ टॉयलेट सीट दिया गया है और यहाँ पे शावर पैनल दिया हुआ है। ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बेडरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट × 11 फीट 2 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 12 फीट। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है, एक विंडो यहाँ दिया गया है और एक विंडो यहाँ दिया गया है। आप ज़रूरत के अनुसार विंडो को घटा बढ़ा सकते हैं। ये डोर है इस बेडरूम का। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी ग्राउंड फ्लोर की तरह ही सारा डायमेंशन सेम रहेगा, सारा वॉल सेम जगह में रहेगा, सभी रूम सेम जगह में रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे स्टेयर एरिया है, ऐसे ही टॉप फ्लोर तक चला जाएगा। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया गया है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है और यहाँ पे एक बेडरूम है। दोस्तों ये था हमारा 12 फीट × 35 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।